नागपुर में अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक का दूसरा दिन है। दूसरे दिन कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है। आज सर कार्यवाह से जुड़ा बड़ा फैसला आ सकता है। नए सर कार्यवाह का हो सकता है चयन। राम मंदिर, बंगाल हिंसा, मणिपुर हिंसा जैसे कई मुद्दों पर मंथन होना संभव है। ज्यादा जानकारी देने के लिए सहयोगी डिम्पल शर्मा हमारे साथ नागपुर से जुड़ गई है। डिम्पल, अगर पहले दिन की बात करें तो कौन कौन से नीतिगत फैसलों के नाम रहा पहला दिन और दूसरे दिन में क्या आहट है? देखिए बिल्कुल शिखा, क्योंकि कल से नागपुर में आयोजित हुई है बैठक और अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक हो रही है जो हर वर्ष होती है, लेकिन इस बार खास इसलिए क्योंकि संघ का चुनावी वर्ष है। हर 3 साल में संघ नई जिम्मेदारियां निर्धारित करता है, चाहे वो सरकार में हो या फिर उनसे जुड़े और भी अधिकारी पदाधिकारी हों जो आरएसएस से जुड़े हों। आज की अगर बात की जाए, क्योंकि कल जैसे कि प्रेसवार्ता भी हुई थी आरएसएस में, उसमें बताया गया था कि किन मुद्दों पर ज़्यादा चर्चा हो सकती है। संघ ने अपने शिक्षा पैटर्न में बदलाव किया है, उसको लेकर बात रखी जाएगी। राम मंदिर निर्माण में किस तरीके से जो महोत्सव रहा, एक दिन का इवेंट रहा, उसमें किस तरीके से युवाओं का झुकाव बढ़ा, युवा किस तरीके से आगे आया, उन सभी मुद्दों को लेकर चर्चा की बात उन्होंने कही थी। लेकिन आज का दिन खास इसलिए भी हो सकता है क्योंकि जो सबसे बड़ा फैसला जिसमें सर कार्यवाह के चुनाव का कहा जा रहा है कि सर कार्यवाह नए सर कार्यवाह के तौर पर किसे चुना जाएगा, क्या फिर से दत्तात्रेय होसबोले को चुना जाएगा या फिर किसी नए व्यक्ति को इस पद पर आशीष किया जाएगा। और अगर बात करें चाहे लोकसभा चुनाव से पहले, क्योंकि आगे लोकसभा चुनाव भी प्रस्तावित है, हालांकि ऐसी कोई बात आरएसएस ने नहीं कही, इस पर जब सवाल पूछा गया तो उसको भी पूरी तरह से नकारा कि लोकसभा चुनाव से जुड़ी इसमें कोई भी किसी भी तरीके का मंथन नहीं होगा, कोई चर्चा नहीं होगी। लेकिन क्योंकि लोकसभा चुनाव आगे आ रहे हैं, पहले ही जो क्षेत्रवार काम है वो बांटा जा चुका है, क्योंकि 3 साल से संघ कभी भी चुनाव के समय पर एक्टिव नहीं होता, 3 साल से लगातार इसको लेकर काम किया जा रहा था और अब लोकसभा चुनाव से जुड़ी सभी काम किए जा चुके हैं। लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि कुछ और बदलाव संघ अपने पैटर्न में, क्योंकि शिक्षा पद्धति की तो बात करी है, और संघ से जुड़ी और कौन सी योजनाएं जिनको लेकर परिवर्तन किया जा सकता है? एसोसिएट एडिटर पंकज सोनी जी हमारे साथ मौजूद है। पंकज जी, क्योंकि लोकसभा चुनाव आगे प्रस्तावित है, हालांकि संघ ने इस बात को नकारा है पूरी तरीके से, लेकिन क्या लगता है आपको, लोकसभा चुनाव पर भी मंथन होगा? और दूसरी बात, क्योंकि सरकार पर सबकी नजरें हैं कि नया सर कार्यवाह क्या होगा, क्या लगता है इस बार आरएसएस जैसे अपनी पद्धति उसकी चलती आ रही है कि दत्तात्रेय होसबोले को फिर से वो कार्यकाल दिया जाए जैसे पहले भी रहे हैं पूर्व के जो सर कार्यवाह, या फिर हो सकता है इस बार नया कोई आरएसएस कोई अपनी नए तरीके से एक शौक कर दे और किसी नए व्यक्ति को आशीष कर दे इस पद पर? देखिए, अभी कल की जो बैठक, पहली बैठक का जो दिन था प्रतिनिधि सभा का, उसमें जो क्षेत्रीय संचालक है, जो पूरे देश भर में संघ ने जो अपनी संरचना बनाई हुई है उसके हिसाब से 13 संचालक हैं क्षेत्र के हिसाब से, जैसे राजस्थान एक क्षेत्र है, ऐसे करके 13 संचालकों का कल चुनाव हुआ है। और सर कार्यवाह की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, जो सवाल आप सर कार्यवाह को लेकर पूछ रहे हैं, तो सर कार्यवाह का चुनाव अंतिम दिन होने की बात सामने आ रही है, यानी कि 17 तारीख को संघ में नए सर कार्यवाह का चुनाव होगा। और जो संघ में हमारे सूत्र हैं या जो हमको जितनी जानकारी है वो ये बता रही है कि दत्तात्रेय होसबोले जो दक्षिण भारत से आते हैं उनको वापस से इसी पद पर दोबारा से इसी दायित्व को संघ देने की तैयारी में है, और उसकी औपचारिक रूप से घोषणा कल प्रतिनिधि सभा के अंतिम दिन बैठक में हो जाएगी। कल की बैठक की बात का हम जिक्र करें तो कल पूरे दिन जो मंथन चला उसमें सबसे अहम मुद्दा संदेश खाली का, जिसको लेके संघ की बैठक में चर्चा हुई, महिलाओं पे जो वहाँ अत्याचार हुए थे उसको लेके हुई, ऐसे अत्याचार आगे ना हों दूर दराज बैठी महिलाओं के साथ, उसको लेकर भी संघ सामाजिक जो चिंतन है उसको कर रहा है, और किस तरीके से ऐसे इन घटनाओं को रोका जा सके उसको लेके भी एक बहुत बड़ा एक्शन प्लान संघ बनाने की तैयारी। पंकज जी, जैसे कि आपने कहा कि संदेश खाली का मुद्दा है और जो बंगाल प्रांत से इसकी विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है संघ ने, ताकि वो रिपोर्ट पेश की जाए और उस अकॉर्डिंग एक्शन लिया जाए कि आरएसएस किस तरीके से आगे कार्य करेगा, क्या लगता है किसान आंदोलन को लेकर भी इस पर चर्चा हो सकती है? पंजाब में जो किसान आंदोलन हुआ उसको लेकर देखिए, ओवरऑल जो मामला है, संघ जितने भी सामाजिक जो मुद्दे होते हैं, चाहे वो राजनीतिक रूप से जुड़े हों या समाज से जुड़े हों, उनको उस पर निश्चित रूप से कोई भी बड़े मुद्दे होते हैं उसको लेकर संघ चिंता अपनी जाहिर करता है, उस पर अपना एक्शन देता है और रिएक्शन भी देता है। तो ये मान के चले किसान आंदोलन को लेकर भी हाँ चर्चा हुई होगी, चाहे वो हल्की फुल्की हो। मणिपुर हिंसा को लेकर भी जो बैठक है उसमें चर्चा की जा रही है, और एक बिंदु मणिपुर जो सर कार्यवाह की तरफ से प्रतिवेदन रखा गया है उसमें एक बिंदु मणिपुर जो हिंसा हुई है उसको लेकर भी सामने रखा है। अहम बात एक कल और रही जो बैठक में देखने को मिली, कल राम मंदिर को लेकर जो धन्यवाद प्रस्ताव हुआ उसके बाद जो राम इसके ट्रस्ट के जो महासचिव है चंपत राय जी, उन्होंने पूरा 20 मिनट का
अपना वर्णन जो बैठक में किया, किस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा के समय में पूरे देश भर में क्या माहौल था, अयोध्या में क्या माहौल था, 20 मिनट तक उन्होंने इस बात का जिक्र मंच से किया कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश में किस तरह का वातावरण बना है और संघ जो देश में जिस राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद जिस तरह का माहौल बना उसको लेकर बेहद उत्साहित नजर आ रहा है। देखिए बिल्कुल शिकायत, जैसे कि कल के खास मुद्दों की अगर बात करें तो ये जो मुद्दे बताए गए, पंकज जी ने अभी मुद्दे बताए, इन मुद्दों पर खास रूप से चर्चा हुई और खास बात कल ये देखने को मिली कि इस बार महिला सशक्तिकरण पर भी खास फोकस रखा जा रहा है। चाहे महिलाओं से जुड़ी हिंसा हो, देश के अलग अलग कोने से जिन जिन जगहों पर हुई है उनकी रिपोर्ट मांगी जाएगी, उस पर चर्चा की जाएगी, महिलाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाने की बात हो। और कई कल जो की बात कही थी आरएसएस ने अपनी प्रेस वार्ता में भी कही थी कि जो अहिल्याबाई होलकर है उनको लेकर भी जो आगे कार्यक्रम चलाए जाएंगे ताकि महिला सशक्तिकरण का एक मैसेज मिले और महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ावा मिले, विमेन एम्पावरमेंट को आगे बढ़ावा मिले और किस तरीके से महिलाओं को और सुदृढ़ किया जा सकता है, चाहे वो सेल्फ डिफेंस से हो या फिर एक इंडिपेंडेंट कह सकते हैं, आत्मसम्मान के लिए कह सकते हैं। और पूरी तरीके से फोकस भी होगा, महिलाओं की शाखा लगाने की भी बात है 2025 तक, जो संघ के एक तरीके से कह सकते हैं जो गोल्स हैं उन गोल्स को पूरा भी करना है, क्योंकि 2025 में 100 वर्ष संघ पूरे कर रहा है और जिन जिन कार्यों की अब तक बात संघ करता आ रहा था उसकी समीक्षा भी की जाएगी, साथ ही साथ कौन सी ऐसी नए कार्य हैं, कौन सी ऐसी आगामी योजना है जिनको लेकर आगे काम करना है। और संघ क्योंकि 5 साल आगे 10 साल के लिए सोचता है, कभी भी एक ये शॉर्ट पैन ऑफ टाइम के लिए नहीं सोचता है, आगे समय के लिए क्या क्या चीजें आगे होने वाली है उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। और जैसा कि बताया गया कि जो सर कार्यवाह का चुनाव है जिसको लेकर बात कही जा रही है कि सर कार्यवाह का चुनाव जो सबसे महत्वपूर्ण इस बार कहा जा रहा है, लेकिन दत्तात्रेय होसबोले ही फिर से इस पद पर नियुक्त किए जा सकते हैं, क्योंकि हमेशा से जो गाइडलाइन रही है कि एक से ज्यादा कार्यकाल भी जो पूर्व के सर कार्यवाह थे उन्होंने संभाला है, चाहे वो भैया जी जोशी हो, खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत हो, 3 से 4 कार्यकाल खुद इन्होंने इनका निर्वहन किया है और बखूबी निभाया। तो ऐसे में दत्तात्रेय होसबोले को भी ये कार्यकाल फिर से मिल सकता है, क्योंकि अभी उनकी आयु 68 वर्ष है और 75 वर्ष की आयु के बाद कोई भी महत्वपूर्ण पद संघ में नहीं दिया जाता है। तो ऐसे में कहा जा सकता है आज का ये पूरा दिन इन खास मुद्दों पर रहने वाला है, अलग अलग बातें भी निकलकर सामने आएगी और कल अंतिम फैसला जो कि सर कार्यवाह के चुनाव का है, कल उस पर डिसीजन आ सकता है, कल हमें पता लगेगा कि कौन होगा संघ का नया सर कार्यवाह। बिल्कुल।